नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। असम मेघालय में बाढ़ का कहर, 7 जिलों की 2 लाख आबादी प्रभावित। चीन को जवाब देने की तैयारी, तीनों सेना ने पीएम मोदी को सौंपा ब्लूप्रिंट। समूचे उत्तर भारत में झुलसाती गर्मी का प्रकोप, चूरू में पारा पहुंचा 50 के पार। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के प्लान बी का मतलब बवाल और बेशर्मी है। ये रिश्ता फेम रोहन मेहरा ने लॉकडाउन में किया सफर, 6 महीने बाद घर पहुंचे। दिल्ली लुधियाना फ्लाइट के 1 यात्री को कोरोना पॉजिटिव, सभी यात्रियों को किया गया क्वारंटाइन। आम्रपाली होम बायर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में आज से ऑटो रिक्शा की सेवाएं फिर से शुरू होंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से खुलेंगे बाजार, 22 मार्च से है बंद। रेलवे का दावा, 44 लाख मजदूरों को सफर करने के दौरान 74 लाख खाने का पैकेट दिया गया। लॉकडाउन का आम के कारोबार पर असर, अल्फांसो और केसर 30% तक सस्ते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अस्पताल का कब्जा मांग रहे ट्रस्ट से कहा कि पहले 1 करोड़ जमा करे। राहत की बात, लॉकडाउन में 30% अधिक तेजी से ठीक हुए कोरोना मरीज। महाराष्ट्र पुलिस के 80 और जवान कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत। टिड्डी दल के मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमले के बाद यूपी के 10 जिलों में अलर्ट जारी। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य को नोटिस, कहा मुफ्त में करें मदद। माओवादी के संबंध मामले में अदालत ने गौतम नवलखा को न्यायिक हिरासत में भेजा। कोरोना वायरस की लड़ाई में आरएसएस ने की पीएम मोदी और सरकार की सराहना। लॉकडाउन में ढील पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी, कहा बाढ़ में आपने द्वार खोल दिए हैं। सेना अध्यक्ष आज करेंगे शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक, सीमा पर तैनात होंगे चीन के बराबर सैनिक। आज केंद्र के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी AIKSSS। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप, कहा कोरोना लापरवाही का नतीजा। जीआरपी ने श्रमिकों पर किया लाठी चार्ज, लोगों ने दिखाए चोट के निशान। जबरदस्ती कंटेनमेंट जोन खुलवाना चाहते थे लोग, ओडिशा के राउरकेला में पुलिस पर पथराव। राजनाथ ने लद्दाख के हालात की जानकारी ली, सड़क निर्माण जारी रहेगा।